नमस्कार दोस्तों, आरओ यारो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इस टॉपिक के दो लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो या इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को आपने एक क्रम से अभी तक ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको आरओ एआरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ एआरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया गया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है हमारी तरफ से, जो इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। तो पूरा जितना सिलेबस है ए टू जेड, वो सारे सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर किया जाता है। एक एक टॉपिक को हम पढ़ाते हैं, एक एक टॉपिक का हम पीडीएफ नोट्स देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको मिलती हैं। निश्चित रूप से ये कोर्स आपके लिए बेहद सहायक होने वाला है। अगर आप इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहें तो 9506742546 पर व्हाट्सएप करें, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स की, अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो अभी तक कुल 80 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है, अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। आपको सभी प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन प्रश्नों को मेरे साथ पढ़ते हुए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो काली कपास मिट्टी का और क्या नाम है? यूपी आरओ एआरओ मेंस 2016 का ये प्रश्न है, और हमारे ऑप्शंस हैं ए बांगड़, बी खादर, सी भूर और डी रेगुर। तो काली कपास मिट्टी को निम्नलिखित में से रेगुर इस नाम से भी जाना जाता है, तो 81 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो मृदा के क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? चार ऑप्शन है, सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से और अतिचारण से। तो मृदा क्षरण निश्चित रूप से अतिचारण से होता है, घास हट जाती है। वन नाशन से वन हटते हैं, तो सघन वर्षा से भी मृदा क्षरण होता है। तो ये तो चाहे ए हो, चाहे बी हो और चाहे डी हो, इससे तो मृदा क्षरण होता है, वो रुकता नहीं है। इसमें से केवल रुकेगा किससे? तो वन रोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, सी हमारा उत्तर है। निश्चित रूप से ये एक आसान प्रश्न था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, ए मृतिका गाद बालू, बी मृतिका बालू गाद, सी बालू गाद मृतिका और डी गाद बालू मृतिका। तो यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 में ये पूछा गया था। तो देखिए, जो मृतिका मिट्टी है जिसे हम क्ले कहते हैं, उसमें सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है, उसके बाद गाद का नंबर आता है और उसके बाद सबसे अंत में बालू यानी सेंट। तो सबसे पहले क्ले, फिर सिल्ट और फिर बालू का नंबर आता है यानी सेंट, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कथन और कारण का ये प्रश्न आ गया, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का प्रश्न है। कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। तो मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है। दूसरा,
मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए मिट्टी की प्रजातियों में सबसे अधिक तम जल धारण करने की क्षमता जिस मिट्टी में है वो है मृतिका, तो ये तो सही है। लेकिन मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं ये असल में गलत है, क्योंकि मृतिका मिट्टी में कणों का जो आकार होता है वो छोटा होता है और इसीलिए जल धारण क्षमता उसमें अधिक होती है। और जब उसका कण छोटा होता है तो निश्चित रूप से रंध्राकाश भी छोटा होता है, तो ये गलत है आर। तो केवल ए सही है, तो ए सही है परंतु आर गलत है, यानी सी हमारा उत्तर है। 84 का हमारा उत्तर है सी। अगला, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में मिट्टी है, सूची दो में वो मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है उसका नाम है। और ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है, यूपी आर ओ ए आर ओ प्रिलिम्स 2021 का ये प्रश्न है। अब एक तरफ है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, दूसरी तरफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो देखिए ऐसे अगर हम सहज तरीके से, मान लीजिए हमें नहीं पता है और हम सहज तरीके से अनुमान लगाने का प्रयास करें, तो जैसे मरुस्थलीय मिट्टी ये डी का वन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डी का वन अगर हम करें तो हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि या तो हमारा उत्तर बी होगा या हमारा उत्तर डी होगा, यानी कि ए हमारा उत्तर नहीं होगा और सी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमने चार को बदल दिया दो में, ठीक है। लेकिन हमें ये दिखता है कि हमें उत्तर इस तुक्का लगाने से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि केवल दो ऑप्शन ही हट रहे हैं, दो ऑप्शन अभी भी हैं बी और डी, ठीक है। तो अब तो मान लीजिए ईश्वर को भी मना करके राम को मना कर मार सकते हैं, लेकिन खैर। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश है ए का टू। तो ए का टू हमें कहां दिख रहा है, ए का टू हमें दिख रहा है केवल और केवल बी में। तो अगर जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश आपको पता हो तो आप आसानी से जान पाएंगे कि 85 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। तो यही बी हमारा उत्तर है, ठीक है। तो ए का टू, बी का थ्री, सी का फोर, ठीक है, और डी का वन, मरुस्थली राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है, ए चीड़, बी देवदार, सी सिल्वर फर और डी नीला पाइन। तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से बहुतायत है या बाहुल्य है देवदार का। तो 86 का हमारा उत्तर है बी। यहां पे देवदार, ओक, फर, चीड़, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन बहुतायत में देवदार पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ए सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बी भीतरकनिका उड़ीसा, सी पिचवर्मम तमिलनाडु और डी वेबम नाद कर्नाटक। उत्तराखंड यूडीए एलडीए में ये प्रश्न पूछा गया है 2003 में। तो देखिए सुंदरवन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुमेलित है, भीतरकनिका उड़ीसा सुमेलित है, पिचवरम तमिलनाडु ये भी सुमेलित है, लेकिन वेबम नाद कर्नाटक असल में ये सुमेलित सही नहीं है। इसका उत्तर है केरल, ठीक है। तो इसका उत्तर है केरल, तो यही डी गलत है। तो 87 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, ए लगातार पानी का बहाव, बी क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, सी पीडब्ल्यूपी सिंचाई और डी गीला करना फिर सुखाना। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का ये प्रश्न है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को। ये मिट्टी में पानी के न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है जिसके पश्चात पौधे मरने लगे, यानी कि पानी की एकदम न्यूनतम अब आवश्यकता है, नहीं तो अब पौधे का जीवन खतरे में है, ठीक है। तो ये सी इसका उत्तर है हमारा। अगला, तो अब परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाना शुरू हो चुके हैं,
जो नदी पर परियोजनाएं हैं उसमें से पहला प्रश्न देखिए, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ए रावी और ब्यास, बी झेलम और चिनाब, सी चिनाब और सतलज और डी ब्यास और सतलज। उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 में प्रश्न ये पूछा गया। तो हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर है, तो 89 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी पोचम पाद परियोजना, सी मयूराक्षी परियोजना और डी नागार्जुन सागर परियोजना। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का ये प्रश्न है। तो देखिए, ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया इसलिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को, यानी इंदिरा गांधी नहर में शीत ऋतु में भी पानी की कोई कमी ना होने पाए। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सूची दो में है वो परियोजनाएं किस नदी पर है? तो अब यही हमारा जो है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है। प्रश्न काफी पुराना है, अब इन्हें हमें सुमेलित करना है। लिस्ट वन को लिस्ट टू से हमें सुमेलित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडुकी परियोजना पेरियार नदी पर है, तो ए का फोर, ए का फोर हमें कहाँ दिख रहा है? ए का फोर हमें दिख रहा है ए में भी सी में भी, तो डी उत्तर नहीं होगा और बी उत्तर नहीं होगा। माता टीला ये बेतवा नदी पर है, तो बी का वन हमें कहाँ दिख रहा है? बी का वन हमें दिख रहा है एक तो बी में भी दिख रहा है और एक सी में भी दिख रहा है, लेकिन बी उत्तर हो नहीं सकता इसलिए सी हमारा उत्तर है। 91 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। तो ए का फोर इडुकी पेरियार, बी का टू माता टीला यानी बेतवा, सी का थ्री नागार्जुन सागर कृष्णा नदी और डी का टू पोचम पाद गोदावरी। ठीक है, तो डी का टू। चलिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए। तो अब फिर से सूची का प्रश्न आ गया और ये लेटेस्ट प्रश्न है, ये आरओ यारो मेंस 2016 का प्रश्न है। तो सूची एक में नदी घाटी परियोजना है और सूची दो में नदी है। अब रिहंद परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, पोचम पाद परियोजना और माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना तो हमने देखा बेतवा पर है, यानी डी का टू। डी का टू हमें कहाँ दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है, यानी बी और सी हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। इसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना, ये तो कृष्णा नदी पर है। इसके बाद पोचम पाद परियोजना, ये गोदावरी पर है। और रिहंद परियोजना तो निश्चित रूप से रिहंद पर ही है। ठीक है, तो ऐसे में हमने देखा रिहंद परियोजना ए का तीन, तो ए का तीन। इसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पे, यानी बी का फोर, तो बी का फोर हमें डी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। पोचम पाद परियोजना ये हमें गोदावरी, यानी सी का वन हमें कहीं नहीं दिख रहा है, केवल दिख रहा है डी में, यही डी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 92 का उत्तर हमारा है डी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? ए तमिलनाडु तथा कर्नाटक, बी तमिलनाडु कर्नाटक एवं केरल, सी तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा गुजरात और तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुडुचेरी। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। तो कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुडुचेरी के बीच है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, ए दार्जिलिंग में, बी शिव समुद्रम में, सी मोहरा में और डी खोपोली में। तो देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में
दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में की गई। उसके बाद जो दूसरी परियोजना थी वो 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्रम में की गई। तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए 1902 अगला, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? ए यमुना पर, बी शारदा पर, सी गंगा पर, डी रामगंगा पर। तो कालागढ़ बांध बना हुआ है डी रामगंगा पर। 95 का हमारा जो उत्तर है वो है डी। इतना प्रश्न देखने के बाद ये आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग ज्योग्राफी में, 1 से 2 प्रश्न तो परियोजनाओं से देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए परियोजनाओं को अच्छे से याद करने की ज़रूरत है, इससे प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्ट में हम देखेंगे तो कुछ कठिन प्रश्न भी हमें देखने को मिलेंगे। अगला, मल्लम पूजा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये लेटेस्ट प्रश्न ही है, आरओ मीन्स 2017 का। भरत पूछा, कोरा पूछा, सी मलम पूजा और पंबा। तो मलम पूजा बांध मलम पूजा नदी पर स्थित है। तो ये 96 का जो हमारा उत्तर है ये है सी, और ये है केरल में पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखिए, अब ये लेटेस्ट प्रश्न है, इसमें किस तरह से परियोजनाओं से प्रश्न पूछा गया है देखिए। 4 कथन देकर के पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। दूसरा, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और चौथा, मेथाल बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो देखिए, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, और चौथा मैथाल बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी सही है। तो चारों के चारों सही है, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी और 4 भी सही, और इस प्रकार से डी उत्तर सही। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बांध और सूची 2 में है नदी, और ये प्रश्न बिल्कुल है नया, यूपी आरओ एआरओ प्री 2017 का ये प्रश्न है। तो गांधी सागर, उकाई, दुलहस्ती, तवा। तो तवा तो तवा, ठीक है, तवा तो तवा। डी का फोर देखिए, आश्चर्यजनक रूप से सब में डी का फोर ही है, तो इससे कोई काम हमारा चलने वाला नहीं है। उकाई, दुलहस्ती, गांधी सागर, ये चंबल पर है, B का 1। तो B का 1 हमें कहाँ दिख रहा है? B का 1 देखिए हमें केवल डी में दिख रहा है, तो यही डी हमारा उत्तर है, यानी A का 2, दुलहस्ती, चिनाब, B का 1, गांधी सागर चंबल, C का 3, उकाई, तापी और D का 4, तवा यानी तवा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है। अब हाल में चर्चित का मतलब कि यह 2002 और 3 में चर्चित रही होगी, फिलहाल तो यह चर्चित नहीं है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, डी। तो बगलिहार विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। तो ये 99 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। यूपी आरओ एआरओ मेंस 2017, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली नामक स्थान पर है। तो 100 का जो हमारा उत्तर है वो है डी।
अगला, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2006, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाब नदी पर है, 101 का हमारा उत्तर है बी। अगला, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ए सतलज, बी झेलम, सी रावी, डी ब्यास। ये यूपी आरओ यारो प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है और इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो युग्म वाला प्रश्न आ गया। ए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, बी तलैया बांध कोनार नदी, सी गांधी सागर बांध चंबल नदी, डी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 का ये प्रश्न है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी ये सही सुमेलित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी ये भी सही सुमेलित है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी ये भी सही सुमेलित है, लेकिन तलैया या तिलैया बांध ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में बराकर नदी पर है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, ये कोनार नदी पर नहीं है बल्कि बराकर नदी पे है, इसलिए बी हमारा उत्तर है। अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी झारखंड में और डी उत्तराखंड में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है ये प्रश्न है, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में पूछा गया। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर। तो ये 104 का हमारा उत्तर है ए। अगला, अब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रश्न प्रारंभ हो गए। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की बात हो रही है। ए 15, बी 17, सी 18 और डी 20। तो देखिए, देश में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है कुल 20 और उप क्षेत्रों की बात करें तो कुल है 60। ये एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जलवायु के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। तो कुल 20 हैं एग्रो इकोलॉजी क्षेत्र और उप क्षेत्रों की बात करें तो कुल 60 है। ये प्रश्न दो बार पूछा गया, एक तो यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री 2010 में और फिर यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में। तो 105 का हमारा उत्तर है डी 20। अगला, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 का प्रश्न है। ए जवाहरलाल नेहरू कृषि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सी इंदिरा गांधी कृषि राजस्थान विश्वविद्यालय और आचार्य एन जी रंगा तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश ये सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान नहीं रायपुर, ठीक है रायपुर, तो ये सही सुमेलित नहीं है। अगला, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना ये गलत है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो ऐसे में सी और डी दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये रायपुर में है ना कि ये राजस्थान में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है और आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2015-16 में
भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, और ये यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 का प्रश्न है। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी बिहार। तो प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादकता तो निश्चित रूप से पंजाब के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गेहूं उत्पादन में पंजाब को अब पीछे छोड़ दिया है। 15-16 में भी यही उत्तर था और अभी भी 2022 में भी यही उत्तर है। यहां पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा है उसका डाटा यहां पे दिया गया है। तो चावल, गेहूं में देखें उत्तर प्रदेश उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है तो 35.50, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे 17.62 और तीसरे पर पंजाब चला गया है 17.14। इसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डाटा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी तिलहन का, गन्ना का, ये सब का, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ प्रजाति है। धान गोविंद, गेहूं शुष्क सम्राट, अरहर पारस, मटर प्रकाश। तो धान गोविंद, अरहर पारस, मटर प्रकाश, लेकिन शुष्क सम्राट गेहूं नहीं बल्कि चावल धान, ठीक है। अगला, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, काशी लालिमा। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 का। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, ए गाजर, बी भिंडी, सी प्याज और डी टमाटर। तो काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है, तो 109 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, ये भी यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में और पुणे में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ 1993 में त्रिची तमिलनाडु में, तो 110 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, आरओ एआरओ प्री 2021 अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है, ए लीमा पेरू, बी शिमला भारत, सी डेकर सेनेगल और डी डबलिन आयरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जिसकी स्थापना 1971 में हुई लीमा पेरू में, तो लीमा पेरू में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भारत में शिमला भारत में है, ठीक है। तो शिमला भारत में ये है, तो 111 का उत्तर है ए। अगला, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ए 1955, बी 1960, सी 1965 और डी 1970। तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय इस नाम से पंत नगर, वर्तमान में उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई। बाद में इसका नाम बदल दिया गया और गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय पंत नगर वर्तमान में उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। तो 112 का उत्तर है बी। अगला, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, आरओ एआरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी। तो 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की गई थी, डी हमारा उत्तर है। अगला, केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, आरओ एआरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी गोरखपुर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ हमारा उत्तर है ए। अगला, भारत में संकार्य चालू ज्योतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो कहने का मतलब है कि कहां के किसानों के पास ऐसे देखें हम जो है होल्डिंग जमीनें अधिक है।
पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो राजस्थान बहुत बड़ा है और जनसंख्या का थोड़ा इस पर दबाव नहीं है, तो यही डी हमारा उत्तर है। अगला, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 का प्रश्न है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तो तक जोत है, वो उसे क्या कहा जाएगा, सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक और लघु कृषक। तो देखिए, 1 एकड़ या उससे कम है तब तो सीमांत कृषक कहा जाएगा, लेकिन 1 एकड़ और 2 एकड़ के बीच है तो उसे लघु कृषक कहा जाएगा, डी हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक जनसंख्या है और बहुत अधिक क्षेत्र भी है और नहरों का उस तरीके से जाल नहीं बिछा हुआ है, तो बस समरसेबिल खोदो, डालो समरसेबिल, अब पानी ले लो और पूरा धरती का जो जल है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन नील क्रांति से संबंधित है, ए पशु, बी मधुमक्खी, सी मत्स्य और डी मुर्गी। तो निम्नलिखित में से नील क्रांति यानी नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य, तो 118 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, पीली क्रांति संबंधित है दलहन उत्पादन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन से और तिलहन उत्पादन से। तो पीली क्रांति संबंधित है निश्चित रूप से तिलहन उत्पादन से, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। और नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है, यूपी आरओ एआरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है। ए खाद्यान्न उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से और डी दुग्ध उत्पादन से। तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, तो ये नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है, तो नीली क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया, वो मछली उत्पादन से संबंधित है, तो सी हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार इंडियन ज्योग्राफी से 2001 से लेकर 2021 के दौरान जो प्रश्न पूछे गए उनमें से कुल 40 प्रश्नों को इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।